उरण जेएनपीटी हाईवे पर बढ़ती वाहन संख्या की वजह से ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। ऊपर से यातायात के नियमों का पालन ना किए जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या के साथ साथ लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। हालांकि इस समस्या को सुलझाने की मांग को लेकर शेकापक्ष के शिष्टमंडल ने कई बार सिडको, जेएनपीटी, पुलिस तथा हाईवे प्राधिकरण के साथ बैठक की, मगर हर बार आश्वासन का गाजर दिखाने वाले इन चारों प्रबंधनों को मानो इस समस्या से कोई सरोकार नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। लिहाजा शुक्रवार को सर्वदलीय समिति के नेताओं ने उपरोक्त ट्रैफिक प्रवण इलाके का दौरा किया, जहां उनके साथ सिडको, पुलिस, जेएनपीटी और हाईवे प्राधिकरण के पदाधिकारी भी थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने चारों प्रबंधनों के अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि जेएनपीटी बंदरगाह, जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर जारी रहती है, मगर कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आती है कि इन वाहनों में लदे सामान को खाली करवाने या फिर खाली वाहनों पर माल लादने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, और इन भारी वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की वजह से यह बड़े बड़े ट्रेलर्स बीच सड़क पर खड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। इन परिस्थितियों में अगर सड़क हादसा होता है तो समस्या और गंभीर हो जाती है। श्री पाटिल ने इस बात से भी उन्हें अवगत कराया कि ऐसी आपदा की स्थिति में मौकाए वारदात पर एम्बुलेंस का पहुंचना भी नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त की जान जाने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि उसके लिए सिडको, जेएनपीटी, हाईवे प्रबंधन और पुलिस ही जिम्मेदार होगी। लिहाजा जेएनपीटी हाईवे पर 2400 घंटे एम्बुलेंस तैनात करने की और उसके संपर्क नंबर हाईवे पर जगह जगह लगाने का सुझाव विधायक विवेक पाटिल ने दिया। आता आम्ही इथे रस्त्याला अडकले आहेत, काय करायचं आता? इथं पूर्ण जाम आहे म्हणजे गेटच्या गेट पासून इस दौरान श्री पाटिल ने यह भी सुझाव दिया कि उरण सीबीडी हाईवे पर नागरी वाहनों के लिए स्वतंत्र मार्गिका तैयार की जाए और कंटेनर पार्किंग के लिए द्रोणागिरी नोड और नवघर खोपटे के बीच पार्किंग अड्डा बनाया जाए। श्री पाटिल ने आगे यह भी कहा कि ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए खोपटा ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए और करल रेलवे क्रॉसिंग छोटे वाहनों के लिए खुला किया जाए। जेएनपीटी हाईवे पर हो रहे सड़क हादसों में दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए जेएनपीटी परिसर के व्यवसायिकों द्वारा सालाना निधि इकट्ठा किया जाए और पीड़ितों के लिए बीमा योजना शुरू की जाए, ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक विवेक पाटिल और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांग को लेकर जेएनपीटी, सिडको, हाईवे अथॉरिटी और पुलिस प्रबंधन कितना गंभीर होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने अपनी समस्याएं हमारे कैमरे के सामने बयां की। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल सहित पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेकापक्ष के उरण तालुका सचिव महादेव घरत,
पंचायत समिति के पूर्व सभापति महादेव बंडा, जिला परिषद के वित्त एवं निर्माण सभापति मनोहर भोईर, कॉमरेड भूषण पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल पाटिल, शेकापक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता काका पाटिल, जेएनपीटी के ट्रस्टी दिनेश पाटिल, पूर्व झेडपी सदस्य जीवन गावण, शेकापक्ष के चिरनेर विभागीय सचिव सुरेश पाटिल, खंदा कॉलोनी के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल कोहली, सुधाकर पाटिल, मयूर सुतार, केसरीनाथ घरत आदि गणमान्य सहित सर्वदलीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।